संगम नगरी प्रयागराज में वर्ष 2025 के कुंभ की तैयारियों को लेकर योगी सरकार ने अभी से अधिकारियों को रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में प्रशासनिक अमला कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियों में जुट गया है। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद के साथ साधु संतों और तीर्थ पुरोहितों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने बड़ी मांग रख दी है। विश्व हिंदू परिषद ने संगम क्षेत्र के 5 किलोमीटर की परिधि में मास्क, मछली और शराब के क्रय विक्रय और सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग कर डाली है। विश्व हिंदू परिषद के गोरक्षा काशी प्रांत के मंत्री लाल मणि तिवारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि तीर्थराज प्रयाग करोड़ों सनातनी और हिंदू धर्मावलंबियों के आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। ऐसे में यहां पर कुंभ, अर्ध कुंभ या फिर माघ मेले के अलावा जब आम दिनों में दूरदराज से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं, तो यहां पर जब वो मांस, मछली और शराब जैसे अनैतिक गतिविधियों को देखते हैं तो उनकी आस्था को ठेस पहुंचता है। ऐसे में सीएम योगी से मांग की है कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के ब्रज क्षेत्र को तीर्थ घोषित करते हुए वहां पर मीट, मछली और शराब पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई है, उसी तरह से तीर्थराज के संगम क्षेत्र की 5 किलोमीटर की परिधि में मांस, मछली, मदिरा पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाई जाए, जिससे लोगों की आस्था और विश्वास में किसी तरीके की खलल न पैदा हो सके। ये तीर्थराज प्रयाग हिंदू आस्था का केंद्र बिंदु है, जहां पर प्रतिदिन लाखों की संख्या में व माघ मेला, अर्धकुंभ मेला, कुंभ मेला, महाकुंभ मेला में करोड़ों की संख्या में विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु माँ त्रिवेणी के पावन संगम में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। और ऐसी स्थिति में यहाँ जब वो देखते हैं कि यहाँ पर मांस, मछली, अंडा और दारू की दुकानें आसपास खुली हुई है, तो उनकी भावना को, उनकी आस्था को ठेस पहुँचती है। मैंने माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र भेजा है और उसमें यह मांग किया है कि तीर्थराज प्रयाग का जो अपना मेला क्षेत्र है, इसके 5 किलोमीटर की परिधि में मांस, मछली, अंडा व मदिरा के सेवन, यानी उसके क्रय विक्रय व उसके सेवन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अभी मथुरा में प्रतिबंध लगाया है और ये तीर्थराज प्रयाग पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है, जहाँ लाखों की, करोड़ों की संख्या में आस्थावान हिंदू आता है, तो यहाँ भी मांस, मछली, अंडा के और मदिरा के क्रय विक्रय व उसके सेवन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। यही मैंने मांग किया है। मुझे विश्वास है कि वो सन्यासी हैं और सन्यासी होने के नाते उन्होंने अपनी पहल जैसे मथुरा में किया है, तो यहाँ भी करोड़ों हिंदुओं की आस्था को दृष्टिगत रखते हुए पूरी तरीके से मांस, मछली, अंडा व मदिरा के सेवन और क्रय विक्रय पर प्रतिबंध जरूर लगाएंगे। क्या लगता है जो आपकी डिमांड है सीएम लेंगे, क्योंकि एक बड़ी डिमांड है ये? मुझे ये विश्वास है कि केवल ये मेरी डिमांड नहीं है, ये विश्व के करोड़ों हिंदुओं की डिमांड है, क्योंकि जब देश का करोड़ों, विश्व का करोड़ों हिंदू तीर्थराज प्रयाग की धरती पर पूरी आस्था के साथ आता है और वो सड़कों पर मांस, मछली व अंडा बिकता हुआ देखता है, बकरा हलाल करता हुआ जब देखता है तो उसकी भावना को ठेस पहुंचती है, दारू पी के लोग लौटते हैं मेला क्षेत्र में तो उसकी भावना को ठेस पहुंचती है। इसलिए मुझे ये पूरा विश्वास है कि माननीय योगी जी, हमारी ये बात नहीं है, संपूर्ण विश्व के संपूर्ण हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए निश्चित ही प्रतिबंध लगाएंगे। संगम की गरिमा को बचाना है, आस्थावान हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मांस, मछली, मदिरा और अंडा, उसके क्रय विक्रय व उसके सेवन पर मैंने प्रतिबंध की मांग किया है और ये केवल मेला के दौरान नहीं, पूरी तरीके से उस पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए, जो कभी 5 किलोमीटर की परिधि में बिके ही ना। अभी मैंने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है, उसके बाद अगर हम देखेंगे, महीना भर प्रतीक्षा करेंगे, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को और जहां भी होगा मैं सबको पत्र भेजूंगा कि इस हिसाब से अपने आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए तीर्थराज प्रयाग की धरती पर और पूरी तरीके से इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। लाल मणि तिवारी, प्रांत मंत्री, विश्व हिंदू परिषद, गोरक्षा, काशी प्रांत।